कि गरीब आदमी का किस तरह से भाजपा ने और कांग्रेस ने, दोनों पार्टियों ने लंबे समय से शोषण करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश के अंदर गरीबी मिटाओ का नारा देकर के भी गरीब आदमी का वोट हासिल करके सत्ता पे काबिज होने का काम किया, लेकिन गरीबी हटाने की बजाय गरीब आदमी को और ज्यादा कैसे कमजोर किया जा सके इसके लिए योजनाएं बनाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव के साथ, एक मैं हरियाणा का आपको ताजा उदाहरण बताता हूं, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में जो स्कूल है, जिन स्कूलों के अंदर गरीब घरों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, कैसे उनको अशिक्षित रखा जाए, इसके लिए साथियों ग्रामीण अंचल के स्कूल भी बंद करने का काम किया। एक छोटी समझी भाजपा की नियत और नीति है कि अगर गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए तो जहां वो अपने समाज का उठाने का काम करेगा वही समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करके वो भी बराबर की जगह पे अपने समाज को लेकर के आने का काम करेगा। चौधरी देवीलाल जी ने और चौटाला साहब ने हमेशा उस वर्ग के लोगों की राजनीतिक मदद करी, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए चौधरी देवीलाल ने हर छोटे वर्ग के लोगों को राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी मिले इसलिए लोकसभा और विधानसभा के टिकट देने का काम किया। आपके सोचने की बात है, छोटे छोटे वर्ग जिनको कोई पूछता नहीं, जिनकी छोटी पॉकेट्स है, कम वोट्स है, उन लोगों की हमेशा अनदेखी हुई है। और चौधरी देवीलाल जी ने तो केवल ऐसे समाज के लोगों को नहीं बल्कि बैकवर्ड समाज के लोगों को भी अनेक टिकटें देख करके उनको भी एमएलए और एमपी बनाने का काम किया। वो सबको बराबर का दर्जा देते थे। उनकी सोच थी कि जब तक समानता नहीं आएगी तो ना प्रदेश तरक्की कर सकता है ना देश तरक्की कर सकता है।